तो यार आज हम ले आए हैं गोवो की तरफ से एक साउंड बार जिसका नाम है गोवो गो सराउंड 300। इसमें आपको काफी सारे कनेक्टिविटी मिल जाता है, जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, ऑक्स केबल के थ्रू कनेक्टिविटी मिलता है। तो आज हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और रिव्यू भी करेंगे। तो सबसे पहले जिनको गोवो के बारे में नहीं पता वो बता दूं कि गोवो एक इंडियन ब्रांड है जो ज्यादातर साउंड बार, TWS ये सारी चीजें बनाती है। चलो देरी ना करते हुए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो बॉक्स सामने यहाँ से कुछ स्टेप से दिखता है, जहाँ पे हमारा गोवो का जो बार है उसका फोटो मिल जाता है, यहाँ पे उसका ब्रांडिंग हो रखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें 2000 mAh का बैटरी है, जिसका बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट 8 hours तक का है, और इसमें 25 W का स्पीकर भी है। पीछे से बॉक्स कुछ स्टेप्स है, जहाँ पे यहाँ गोवो का अगेन जो साउंड बार है हमारा वो उसका फोटो है, और यहाँ पे कुछ उसके स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, उनमें से जैसे कि इसमें एक इनबिल्ट माइक भी है, डायनामिक LED है, और ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का यूज हुआ है। चलो अब इसके डब्बे को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हमारा बॉक्स ओपन हो जाएगा और ये हमारा बॉक्स ओपन हो गया। अब इसमें देखते हैं क्या क्या सामान इसके अंदर से निकलता है। तो सबसे पहले तो हमारा ये साउंड बार निकल आता है, ठीक है, अभी के लिए इसको यही सामने में रखते हैं। और यहाँ पे आपको एक मैनुअल मिल जाता है कुछ स्टेप से, गोवो का कुछ लोगो बना हुआ कार्ड मिल जाता है जो कि वारंटी कार्ड है, इसको स्कैन करने से वारंटी रजिस्टर कर सकते हैं। एक हमारा चार्जिंग केबल मिल जाता है, और इसको ओपन करते हैं तो इसकी लंबाई कुछ इतनी है, ऑलमोस्ट बॉक्स के साउंड बार जो अपना है उसके बराबर स्ट्रॉन्ग है काफ़ी, और Type-A to Type-C का है, तो ये अच्छी चीज़ है। और साथ में एक और ऑक्स केबल मिल जाती है, इसका भी लेंथ ऑलमोस्ट सेम है चार्जिंग केबल जितना ही, और काफ़ी स्ट्रांग भी है, वायर की क्वालिटी भी अच्छी है। चलो अब इसको ओपन कर लेते हैं प्लास्टिक में से। सबसे पहले इन पैड्स को रिमूव करेंगे। अब हम अपने इसमें से इसको निकालेंगे। ओके, यहाँ पे एक टेप लगा हुआ है, इसको खोलते ही हमारा निकल आता है साउंड बार। ये सामने से कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे एक्चुअली 4 स्पीकर है, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है ऊपर की, और यहाँ पे हमें सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, कंट्रोल्स बटन, जैसे कि मोड चेंज करने का, वॉल्यूम अप डाउन का, और प्ले पॉज का, और RGB लाइट को चेंज करने का। और अगर हम पीछे की ओर देखते तो यहाँ पे हमारा सारा पोर्ट्स है। सबसे पहले लेफ्ट साइड में से स्टार्ट करते तो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे एक ऑन ऑफ का स्विच मिल जाएगा, जैसे कि ये बार ऑन ऑफ होगा। यहाँ पे हमें Type-C का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे एक TF कार्ड का यानी कि मेमोरी कार्ड जो होता है उसका पोर्ट मिल जाता है, एक USB का पोर्ट मिल जाता है जिससे कि आप अपने पेन ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हो, और एक ऑक्स केबल का मिल जाता है। अगर हम साइड की बात करें तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे लाइट जलती है, जो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में सेम ही दिया गया है। चलो अब इसको ऑन कर लेते हैं। पीछे जो मैंने आपको यहाँ बटन दिखाया था, इस बटन से ये ऑन होता है। जैसे ही हम यहाँ पे ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका RGB क्या ही सुंदर लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका RGB यहाँ से, और ये साइड में भी लाइट जल रहा है, तो ये आपका TV के पास काफी अच्छा लुक दे के आएगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। इसमें आपको 52 mm का ड्राइवर मिल जाएगा, 25 W का स्पीकर यहाँ पे मिल जाता है, 2000 mAh का बैटरी मिल जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे RGB लाइट भी है। कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो ये ब्लूटूथ वर्जन 5.3 के साथ आता है, इसमें ऑक्स केबल का भी सपोर्ट है, TF कार्ड यानी कि मेमोरी कार्ड, और USB पोर्ट भी दिया गया है जिससे कि आप पेन ड्राइव से भी सॉन्ग वगैरह बजा सकते हो। इसमें एक इनबिल्ट माइक भी है, उसका भी हम टेस्ट करेंगे उसका साउंड कैसा है। तो चलो अब जल्दी से इसको ऑन कर लेते हैं और इसकी साउंड क्वालिटी टेस्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे NCS का कुछ साउंड प्ले करने वाले हैं, आप इसको एक बार सुन लो। तो जैसा कि आपने सुना इसका साउंड क्वालिटी काफी अच्छा है, इसका बेस काफी अच्छा है, इसमें 52 mm का ड्राइवर भी है मैंने आपको बताया था, उसके चलते इसकी जो बेस है बहुत ही अच्छा टॉप क्लास लेवल का मिल जाता है, और साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो जब भी आप अपने ब्लूटूथ को ऑन करोगे आप यहाँ पे देख सकते हो गो सराउंड 300 नाम से इसका साउंड आया जाएगा। और अब इस पे कनेक्ट कर लेते हैं हम। तो कनेक्ट करते ही यहाँ पे ये थोड़ी सी जो आवाज आई उसका मतलब है कि ये कनेक्ट हो चुका है। तो जब आप इसको चार्जिंग केबल के साथ कनेक्ट करोगे तो जैसे ये चार्ज होने लगेगा यहाँ पे आप देख सकते हो एक रेड कलर का लाइट जो है जलने लग जाएगा। तो इसमें आपको काफी अलग अलग टाइप के RGB के इफेक्ट भी मिल जाएगा जो कि आप इस बटन से चेंज कर सकते हो।
जैसे जैसे आप बटन को चेंज करोगे, प्रेस करोगे, वैसे वैसे एलईडी का जो इफेक्ट है वो भी चेंज होते रहेगा। इसमें काफ़ी सारे अलग अलग इफेक्ट दिया गया है, जैसे कि एक ब्रीदिंग इफेक्ट था, यहाँ पे ये सारे कलर्स एक साथ दिखते हैं। बट हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जितने भी RGB के जो इफेक्ट्स है वो आपको सिर्फ ये नीचे का जो बार है स्ट्रिप से इसी में देखने को मिलेगा। इसके जो साइड में है, साइड में जो LED के कलर्स है वो कभी चेंज नहीं होता। यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे भी आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा ये साइड का ग्रीन कलर का, और यहाँ पे भी ग्रीन कलर का लाइट दिख रहा होगा, और ये हमारा बार का लाइट है। तो जैसे ही हम इसको इफेक्ट को चेंज करेंगे, यहाँ का जो इफेक्ट है वो चेंज हो रहा होगा, बट ये जो कलर है ये दोनों स्टैटिक कलर ही है इसका जो है, इसमें आपको कोई RGB नहीं मिलता, ये सेम ही कलर का रहेगा हमेशा। और अगर आपको इसको बंद करना है तो उसके लिए आपको RGB को जो है कंटिन्यू प्रेस कर करके इसको चेंज करते हुए जाना है। एक टाइम पे ऐसा आएगा कि ये जो सारे लाइट्स हैं ये बंद हो जाएंगे, तो ये ऑफ मोड पे है। अब इसके साथ साथ अगर आपको इसको भी बंद करना है तो इसको फिर होल्ड करके रखो, तो ये साइड के सारे जो लाइट्स हैं वो बंद हो जाएंगे। अगर आपको बैटरी बैकअप अच्छी चाहिए होगी तो आप कभी इस लाइट को ऑन करके मत चलाना। इसको अगर आप ऑफ मोड पे चलाओगे, लाइट को ऑफ करके अगर आप चलाओगे तो बैटरी बैकअप अच्छी मिलेगी। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको सेकेंड वाला जो बटन दिया गया है, ये गाना को प्ले या पॉज करने का है। इससे आप वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो, इससे आप वॉल्यूम को कम कर सकते हो, और ये जो मोड है इससे आप FM मोड पे स्विच कर सकते हो। जैसे मैं अभी फैन लगाया तो आपको सुनाई दे रहा होगा, अभी जो आप आवाज़ सुन रहे थे वो FM का सर्चिंग के लिए है। जैसे ही वो सर्च हो जाएगा तो आपका FM जो है कनेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं इसके प्रॉज और कॉन्स के बारे में। तो सबसे बड़ा इसका कॉन्स यही है कि इसका जो इंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी छोटा सा है। इसका जो यूज़र मैनुअल भी दिया गया है उसमें इंस्ट्रक्शन काफ़ी क्लियर नहीं है। जैसे FM के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि FM मोड में आप कैसे जा सकते हो। आप मोड बटन को दबा करके FM मोड में जरूर जा सकते हो, बट उसके आगे चैनल आपको कैसे सर्च करना है या चैनल कैसे सेट करना है वो उसके बारे में इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। तो ब्रांड से ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसका जो यूज़र मैनुअल है उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव कीजिए। सेकेंड कॉन्स के बारे में अगर बात करें तो इसके बैटरी बैकअप, ऐसे ब्रांड ने मेंशन किया है 8 घंटे का, बट ये 8 घंटा देता नहीं है। अभी जितना भी मैंने यूज़ किया है मुझे एटलीस्ट 4 घंटा भी बैटरी बैकअप इसका मिला नहीं है। हाँ, ये है कि RGB लाइट को ऑफ कर दो तो थोड़ा सा बेटर हो जाता है, बट स्टिल अगर ब्रांड ने यहाँ पे मेंशन किया है कि 8 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा तो मुझे लगता है लाइट को ऑन करके भी एटलीस्ट मुझे 6 घंटे का तो मिलना चाहिए, बट उतना भी अगर नहीं मिल रहा है तो बैटरी में एक कॉन्स है। तो अब इसके प्रॉस के बारे में बात करते हैं। इसकी प्राइस रेंज जो है हमेशा 1500 से लेकर 1700 तक में रहता है, और उस प्राइस रेंज में इसमें काफ़ी अच्छा क्वालिटी का ये मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी अच्छा है इसका। इसका जो RGB है काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर आपको भी लाइटें बहुत पसंद है तो आप इसको कंसिडर जरूर कर सकते हो, क्योंकि इसकी लाइट बहुत अमेजिंग है। साथ साथ इसकी जो साउंड क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब मैं अगर 100% भी चला दूं तो आवाज़ फटती नहीं है उतना ज़्यादा। बेस भी काफ़ी अच्छा है, बट मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप हमेशा 60-80% के बीच में ही साउंड को रखो, अगर जब भी आप मैक्सिमम में चलाओ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अगर आप 100% में चलाओगे तो आपको स्पीकर के ऊपर इफेक्ट करता है, जिससे स्पीकर ख़राब हो सकते हैं। बट हाँ, इसमें आपको 1 ईयर का वारंटी भी मिल जाता है, तो वो भी अच्छा चाहिएगा। तो यही था आज के वीडियो पे। आप कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।